नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सलमान के खिलाफ दिल्ली के गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह एफआईआर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने करवाई। सलमान पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। खबरों की माने तो कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सलमान देश के बड़े सेलिब्रिटी हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सलमान खान किसी कानूनी पचड़े में पड़े हो। इसके पहले हिट एंड रन केस और चिंकारा शिकार मामले में उन्होंने सालों कोर्ट के चक्कर लगाए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।